हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा बॉडी पैक जो आपके बॉडी से मैल, गंदगी और टैनिंग को इंस्टेंट रिमूव करेगी। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, फेस के साथ साथ हमारे हैंड, फीट, नेक पे भी टैनिंग हो जाती है। क्योंकि जितना केयर हम अपने फेस का करते हैं, उतना अपने बॉडी का नहीं कर पाते हैं। आज जो मैं पैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आप अपने फेस और बॉडी दोनों पे यूज कर सकते हो। और इस पैक की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही इजीली आपको अपने किचन से ही मिल जाएगी। और ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है और इसके रिजल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। तो चलो देखते हैं इस पैक को बनाना कैसे है और यूज कैसे करना है बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। तो पैक बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक मिक्सर जार, और हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है पोटैटो, यानी कि आलू। आपको लेना है एक आलू और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। पोटैटो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे स्किन से दाग, धब्बे, डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन को दूर करता है। नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है एक टोमेटो, यानी कि टमाटर। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें डाल देना है। टोमेटो में होता है विटामिन सी। टोमेटो एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो हमारे स्किन को नेचुरली ब्लीच करती है और हमारे रंग को साफ करती है, हमारे दाग धब्बे को दूर करती है। नेक्स्ट आपको लेना है एक लेमन, यानी कि नींबू, और उसको छोटे टुकड़ों में कट करके इसमें डाल देना है। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, ये हमारे स्किन से मैल, गंदगी और टैनिंग को इंस्टेंट रिमूव करता है। तो अब हम इसको पीस करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मैं इन सारी चीज़ों को पीस ली हूँ, आप देख सकते हो ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन गया है। तो चलो अब हम पैक बनाना शुरू करते हैं। आपको लेना है एक बाउल और उसमें इस पेस्ट को निकाल लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन। बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, ये हमारी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है और हमारी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव कर हमारी स्किन को फेयर और ब्राइट बनाता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, यानी कि कस्तूरी हल्दी पाउडर। हल्दी एक आयुर्वेदिक औषधि है, ये हमारी स्किन पर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाती है, हमारे पिंपल्स और दाग धब्बे को दूर करती है, हमारे रंग को निखारती है। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ पैक बन जाए। तो यहाँ मैं सारी चीज़ों को मिला ली हूँ, आप देख सकते हो ये एकदम स्मूथ सा पैक रेडी हो गया है। तो इसको लेकर के आप अपने हैंड, फीट और नेक पे, बॉडी पे, जहाँ पे भी आपको टैनिंग हो गई है आप लगा सकते हो। अगर आप अपने नेक पे लगाए हो, आपको कोई भी इरिटेशन, खुजली नहीं हो रही है, तो आप अपने फेस पे लगा सकते हो। जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो अपने फेस पे बिल्कुल भी ना यूज़ करें, वो अपने हैंड और फीट पे भी यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट जरूर कर ले। इसको लगाने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। 10 मिनट के बाद जब ये सूख जाएगा तो आपको थोड़ा सा पानी के साथ इसको हल्के हाथों से रब करना है। 2 से 3 मिनट इस तरीके से रब करते हुए मसाज कर लेना और फिर इसको नॉर्मल प्लेन वाटर से वॉश कर लेना। फर्स्ट यूज़ में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इससे आपकी टैनिंग काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएगी। आप इसको वीक में 2 बार ज़रूर करना, आपको टैनिंग होगी ही नहीं, आपका स्किन पहले से ज़्यादा फेयर और ब्राइट लगेगा। क्योंकि ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, एकदम प्योर और सेफ है। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाना और यूज़ करना, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये सिंपल और इजी रेमेडी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे बहुत सारे इजी और इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए।